स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में, और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। आईपीएल के मौजूदा सीजन में कल रात मुकाबला हुआ मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। मुंबई इंडियंस सीजन का आखिरी मुकाबला खेल रही थी, अपने घर में ये मैच था, लेकिन मुंबई की टीम एक बार फिर से अपने घर में बेदम साबित हुई और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उसको उसके घर में शिकस्त दे दी। आखिर क्या वजह रही, मुंबई इंडियंस क्यों एक बार फिर से लखनऊ के सामने चारों खाने चित हो गई, चलिए आपको पूरा मैच का हाल बताते हैं। टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जैसा मुंबई में सभी करते हैं, और पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला लखनऊ सुपर जायंट्स को। लखनऊ की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए कप्तान केएल राहुल और देवदत्त पड्डीकल। पड्डीकल पहली ही गेंद पर आउट हो गए, खाता भी नहीं खोल सके, जीरो रन बना करके पवेलियन लौट गए, और कप्तान केएल राहुल ने 41 गेंदों में 55 रन जरूर बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट एक बार फिर से सवालों के घेरे में था। 134 के स्ट्राइक रेट से ही वो रन बना सके, 3 छक्के उन्होंने लगाए, 4 चौके लगाए अपनी इस पारी में। फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस, 22 गेंदों पर उन्होंने भी 28 रन बनाए, 9 गेंदों पर 11 रन बनाए दीपक हुड्डा ने, और शुरुआती झटके लगे लखनऊ की टीम को। और स्टार्टिंग में लखनऊ का जो रन रेट था वो भी बहुत स्लो था, क्योंकि पहले ही ओवर में एक तो विकेट गिर गया था, लेकिन उसके बावजूद 6 ओवर तक आते आते लखनऊ की टीम ने 2 विकेट गंवा करके 49 रन बना लिए थे। अब मोर्चा संभाला लखनऊ की ओर से निकोलस पूरन ने। पूरन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 29 गेंदों पर 75 रन ठोक दिए और 258.62 के स्ट्राइक रेट से निकोलस पूरन ने रन बनाए। निकोलस पूरन ने 8 छक्के लगाए अपनी इस पारी में और 5 चौके जड़े, और पूरन की ही पारी की बदौलत 20 ओवर में 214 रन लखनऊ सुपर जायंट्स बना सका। हालांकि पूरन को ज्यादा साथ तो नहीं मिला किसी से, लेकिन फिर भी आयुष बडूनी ने 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर के लास्ट में एक अच्छा साथ निभाने की कोशिश की पूरन का, और इसके अलावा 7 गेंदों पर कृणाल पांड्या ने 12 रन बनाए, और ये दोनों खिलाड़ी बडूनी और कृणाल पांड्या नॉट आउट रहे और 200 के पार लखनऊ को पहुंचाया। अरशद खान 1 गेंद खेले और 0 बना करके आउट हो गए, खाता भी नहीं खोल सके। इस तरीके से 20 ओवर में 215 रनों का टारगेट मुंबई इंडियंस के सामने था। हाई स्कोरिंग मैच वानखेड़े में होता था और इतिहास भी रहा है हाई स्कोरिंग मैच का, तो फैंस को लगा कि हो सकता है इस मैच में मुंबई कुछ करिश्मा करे, लेकिन मुंबई की टीम बल्लेबाजी करने उतरे उसी दौरान बारिश बाधा बन गई और बारिश की वजह से खेल रुका। हालांकि बारिश ज़्यादा देर तक तो नहीं हुई, खेल रुका और फिर उसके बाद में खेल शुरू भी हो गया, और ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और डिवाल्ड ब्रेविस। एक प्रयोग आखिरी मैच में किया मुंबई इंडियंस ने भी, और हालांकि प्रयोग करते हुए एक बॉलिंग चेंज भी बड़ा किया था मुंबई इंडियंस ने, कि प्लेइंग 11 में मुंबई ने मौका दिया था अर्जुन तेंदुलकर को। इस सीजन का पहला मैच अर्जुन तेंदुलकर खेल रहे थे, 2.2 ओवर करने का उन्हें मौका मिला, 22 रन उन्होंने खर्च किए, कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। इसके अलावा नुमान तुषारा ने 4 ओवर में 28 रन दिए, 3 विकेट उन्हें मिले, और निहाल वडेला ने 2 ओवर किए, 13 रन उन्होंने दिए, सफलताएं एक भी उन्हें नहीं मिली। पीयूष चावला ने 4 ओवर में 29 रन खर्च किए, 3 विकेट उन्हें मिले, और नमन धीर ने 0.4 ओवर ही फेंके, 17 रन लुटा दिए उन्होंने। वहीं 2 ओवर में 30 रन दिए रोमारियो शेफर्ड ने, और मुंबई ने गेंदबाजी में 8 गेंदबाजों का प्रयोग किया। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या ने प्रयोग पर प्रयोग वो करते रहे इस मैच में, तो 8 गेंदबाजों का उपयोग किया, लेकिन फिर भी 214 से पहले वो लखनऊ को नहीं रोक सके। अब मुंबई के सामने 215 रनों का टारगेट था। डिवाल्ड ब्रेविस 20 गेंदों में 23 रन बना करके आउट हो गए। रोहित शर्मा ने अच्छा स्टार्ट लिया और 38 गेंदों पर 68 रन बनाए। एक वक्त पर लग रहा था कि रोहित शर्मा के बल्ले से 100 हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन रवि बिश्नोई की गेंद पर शॉट मिस कर गए रोहित शर्मा और मोहसिन खान को कैच थमा बैठे। 178 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने रन बनाए। हालांकि T20 वर्ल्ड कप से पहले ये पारी बहुत जरूरी थी रोहित शर्मा के बल्ले से, और वो पारी आ भी गई। सूर्यकुमार यादव का फ्लॉप शो जारी रहा, 3 गेंदों का सामना किया, खाता भी नहीं खोल सके, और 15 गेंदों पर 14 रन ईशान किशन ने बनाए, उन्हें नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए भेजा गया। और हार्दिक पांड्या कप्तान एक बार फिर से फ्लॉप रहे, पूरे सीजन में जो उनका फ्लॉप शो चल रहा है बल्ले से वो इस मुकाबले में भी जारी रहा, 13 गेंदों पर 16 रन बनाए उन्होंने। निहाल वडेरा ने 3 गेंदों पर 1 रन बनाया, और नीचे बल्लेबाजी करने आए नमन धीर, उन्होंने 28 गेंदों पर 62 रन बना करके असंभव को संभव बनाने की कोशिश जरूर की, मुंबई इंडियंस को मैच जिताने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, नॉट आउट रहे। 222 के स्ट्राइक रेट से नमन धीर ने रन बनाए,
और रोमारियो शेफर्ड भी एक गेंद का सामना किया, एक रन बना करके वो नॉट आउट रहे, नमन धीर भी नॉट आउट रहे और आखिर में ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 रनों से जीत लिया। हालांकि अगर कुछ करिश्मा कर देती लखनऊ की टीम तो प्लेऑफ में वो पहुंच सकते थे, लेकिन करिश्मा भी संभव नहीं था, चमत्कार संभव नहीं था, क्योंकि 200 रनों के बड़े मार्जिन से मुंबई को हरा पाना असंभव था। तो इस मैच के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स भी अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गया और दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियली बाहर हो गए हैं। अब प्लेऑफ की रेस में अगर कोई दो टीमें बची हैं तो वो है चेन्नई और आरसीबी। चेन्नई आरसीबी के बीच मुकाबला तय करेगा कि प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी। तो ये था मुंबई और लखनऊ के बीच हुए मुकाबले का पूरा हाल। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी क्रिकेट को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।